बची हुई रोटी रोटी से बनाए ये हेल्थी व लजीज नाश्ता। बड़े बच्चे हर किसी को आएगा पसंद। रात के खाने के बाद हर किसी के घर में रोटियां बच जाती हैं। ऐसे में उन रोटियों का क्या करें, ये हमारे लिए सोचने की बात होती है, क्योंकि जल्दी कोई बची हुई रोटियों को खाना पसंद नहीं करता है। ऐसे में यदि आपके घर में रोटियां बच जाती हैं तो आप उसका एक टेस्टी नाश्ता बनाकर अपने घर वालों को खिला सकती हैं, और ये नाश्ता बिल्कुल नूडल्स की तरह खाने में लगेंगे और आपकी रोटियां वेस्ट नहीं जाएंगी। इसलिए इस रेसिपी को देखने के बाद आप कभी भी अपनी रोटी फेंकेंगी नहीं। सामग्री: बची हुई रोटियां 3 से 4, टमाटर 1 पीस, शिमला मिर्च 1 पीस, प्याज 1 पीस, सेजवान चटनी 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1-2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, बटर 1 टीस्पून। विधि: रात की रोटी से टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले रोटियों को पतला पतला काट लीजिए और एक बाउल में रख दीजिए। अब शिमला मिर्च और प्याज को पतला पतला काट लीजिए। नाश्ते को बनाने के लिए एक कढ़ाई को गैस पर रखें और इसमें बटर डाल दीजिए और गैस के आंच को तेज कर लीजिए। इसके बाद इसमें प्याज डालें और अब शिमला मिर्च को डालकर पका लीजिए। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालकर हल्का सा पका लीजिए। अब इसमें नमक, सेजवान चटनी, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट पका ले। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई रोटी को डालकर अच्छे से मिला ले और इसे 5 मिनट के लिए पका ले। अब इसे हरे धनिये के साथ गार्निश करें और लोगों को सर्व कीजिए। आप इसे अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं, क्योंकि यह देखने और खाने में बिल्कुल नूडल्स की तरह है।